अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। ये जो हमारे पास टॉपिक है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल, इसके अंदर हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन 36 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आज लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना, इसके अंदर भी हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही शार्प सा लेक्चर होगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है f of x which is equal to x की पावर 4/3, x greater than equal to -1 and less or equal to 8, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके हैं कि कैसे हम लोग जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें पहले चाहिए होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट, कि क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ये सारे के सारे जो है ना वो कंसेप्ट मैंने अपलोड किया हुआ, लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें, वो लेक्चर आप लोग लाजमी देखें जाके। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो के ऊपर रखते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर कौन सा ऐसा पॉइंट पुट करें कि वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो हो। जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद ये जो हमारे पास उसने इंटरवल दिए हुए, डोमेन दिए हुए, एंड पॉइंट दिए हुए हैं -1 और 8, इन्हीं -1 और 8 को और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी फिर उनके जरिए हम लोग जो है ना वो चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जाना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट नहीं करना, क्योंकि हमें उसने इन क्वेश्चन में ग्राफ नहीं पूछा हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, इन क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट नहीं करना, जैसे आपको बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इसका जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सारे सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लाजमी देखिए जाके आपको सजेस्ट करता हूँ लेक्चर लाजमी देखिए जाके। यहाँ पे आप लोग पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल में क्या होता है, पावर पीछे आ जाती है, एक्स की पावर में हम लोग क्या करते हैं एक माइनस करते हैं, 4/3 -1 करते हैं, फिर हम लोग जो है ना वो इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं वो तुम्हारे पास 1 है, तो यहाँ पे आप लोग 1 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या बनने जा रहा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जाना वो आप लोग चार्ट से कर सकते हैं कि 4/3 -1 बेसिकली किसके इक्वल होता है, 3 यहाँ पे एलसीएम लिए तो बनेगा 4 -3 और ये बनेगा जी 1/3, तो इसको आप लोग लिख लें जी यहाँ पे 4/3 x^3, इस 1 को रहने दें, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज बन चुकी है। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली आपने क्या देखना है कि ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपने देखना है कि इसमें जो है ना वो इसको जीरो के ऊपर रखे थे, हमारे पास जाना क्रिटिकल पॉइंट कौन सा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के ऊपर रखें 4/3 x^1/3, इसको जीरो के ऊपर रखें। अब देखें जी यहाँ पे जहां से आप लोग इजीली जो है ना क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारे के सारे उधर जाके जीरो हो जाएगा और एक्स की पावर 1/3 बचेगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो जीरो हमारे पास ना इसकी जो है वो बेसिकली वैल्यू निकलेगी, देखिए इसको उधर लेके जाता हूँ एक्स की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका जो है ना वो क्यूब रूट यहाँ पे लेता हूँ, इधर भी क्यूब रूट लेता हूँ, तो हमारे पास जो है ना वो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स जीरो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो है जी हमारे पास एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक इसका क्रिटिकल पॉइंट निकला यहाँ पे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसमें एक्स की जगह पे कौन सा पॉइंट पुट करूं कि यार सारे के सारे जीरो हो जाए, तो यहाँ पे अगर जीरो पुट करता हूँ ये सारे के सारे जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली जो है ना पढ़ी लिखी बात है, सीधी सीधी बात है, इसको भी हल करने की जरूरत नहीं है। अब देखें जी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इनको एंड पॉइंट्स को पुट करेंगे, सबसे पहले किसी को भी पुट कर लें, इसको जीरो को पुट कर लें इस फंक्शन के अंदर, ये बनेगा एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू 0^4/3, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ये आपके पास एक एंड सॉरी एक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब -1 आप लोग अगर पुट करके चेक करते हैं, एफ ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1^4/3, अब -1 की पावर में 4 आ गया, 4 एक आपके पास इवन नंबर है, तो इसको -1 को जो है वो 1 में कन्वर्ट कर देगा, ये 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप 8 पुट करके चेक करते हैं, यहाँ पे ये बनेगा एफ ऑफ 8
विच इज इक्वल टू 8 की पावर 4 बाय 3। अब देखें जी, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होल की पावर 4 बाय 3। अब 3 3 से कैंसिल, तो ये बचा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 होता है जी बेसिकली आपके पास 16। अब देखें जी कहाँ पे इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है जी आपके पास मैक्सिमा और ये है जी आपके पास मिनिमा। तो आपके पास है जी मैक्सिमा, मैक्सिमा इज 16 एट एक्स इज इक्वल टू 8। 8 पे जाना इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है विच इज 16, मिनिमा इज 0। इसका जो आपके पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है वो है जी 0, किस पॉइंट के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये है जी हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत डिटेल के साथ कोशिश की आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकें, खुद किया करें, खुद प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको जो है ना वो समझ आए। ठीक है, इसके बाद मैं बेसिकली आपको सारे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो इसके इससे पहले अगर आपको एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब किया अगर मत जाया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कास्ट में सलाह भी शेयर किया करें, ताकि उनकी भी जो है ना इस बारे में हेल्प हो सके, वो भी यहाँ पे आके लेक्चर देखें। तो देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। देखिए नहीं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, f(x) which is equal to x की पावर 5 over 3, x greater or equal to minus 1 less or equal to 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे। तो पावर यहां पे लगेगा 5 over 3, x की पावर 5 over 3 में एक माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये बनेगा जी आपके पास f प्राइम ऑफ x which is equal to, अब 5 over 3 में से एक माइनस करके यहां पे चेक कर लें क्या आपके पास आता है जी, 5 over 3 minus 1 करें तो ये आएगा जी 5 minus 3 which is equal to 2 over 3। तो 2 ओवर 3 जो है ना आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 ओवर 3 x की पावर है जी आपके पास 2 ओवर 3। इसको अब आप लोग यहाँ से इरेज कर दे, रिमूव कर दे। देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या बनने जा रहा है यहाँ पे, अब देखें जी यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ये सारा सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आपके पास है जी 0, x इज इक्वल टू 0, ये जी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को, इन दोनों एड्स पॉइंट्स को इसमें पुट करें, हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी, उनमें से देख लें कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास पुट करें जी एफ, आप पहले 0 पुट करके चेक कर लें, तो ये 0 की पावर 5 ओवर 3 करेंगे, ये सारा का सिरा 0 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एंड पॉइंट जो है ना वो माइनस 1 पुट करके चेक करते हैं, तो माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 5 ओवर 3। अब माइनस 1 के ऊपर जो इसकी पावर 5 है वो ऑड नंबर है, तो ये माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 1 में चेंज नहीं होगा। 8 पुट करके चेक करें, यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास एफ ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 8 की पावर 5 ओवर 3। अब यहाँ पे अगर जो है ना आपको 8 8 को लिख सकते हैं आप लोग 2 की पावर 3 होल की पावर 5 ओवर 3। अब 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 5 होता है बेसिकली आपके पास 32। ओके जी, अब आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि ये है जी आपके पास मैक्सिमा, ये है जी आपके पास मिनिमा। तो मैक्सिमा लिख सकते हैं जी आप लोग यहाँ पे, मैक्सिमा इज 32 एट एक्स इज इक्वल टू 8। इसी तरह से आपके पास है जी मिनिमा इज माइनस 1, मिनिमा इज माइनस 1 एट किस पॉइंट पे ऊपर, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन 38। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन 39। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है जी ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू थीटा की पावर 3 ओवर 5, थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 32 लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, जी प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 3 ओवर 5 पीछे आ जाएगा, थीटा की पावर 3 ओवर 5 में कर देंगे माइनस, तो जी प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 3 ओवर 5। अब 3 ओवर 5 माइनस 1 यहाँ पे करके चेक करते हैं जी, 3 ओवर 5 माइनस 1 ये बनेगा जी 3 माइनस 5, ये बनेगा जी माइनस 2 ओवर 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग लिखें जी थीटा की पावर माइनस 2 ओवर 3 यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसी जो है ना वो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह पे गई सारा थीटा की जगह पे, ये सारा का सारा जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर थीटा की जगह पे जीरो पुट करें सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो थीटा विच इज इक्वल टू 0, यही होगा जी आपके पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट। ओके जी, अब इसको यहाँ पे पुट करें फंक्शन के अंदर, तो ये बनेगा आपके पास जी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 0 पुट किया, तो ये बनेगा जी आपके पास 0 की पावर 3 ओवर 5, तो ये सारा सारा जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग माइनस 32 पुट करके चेक करें, तो जी ऑफ माइनस 32 विच इज इक्वल टू माइनस 32 की पावर बनेगा आपके पास 3 ओवर 5, माइनस 32 को लिख सकते हैं आप लोग माइनस 2 की पावर 5 होल की पावर है जी आपके पास 3 ओवर 5, 5 5 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3 करेंगे वो होता है जी 8, साथ माइनस आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग एंड पॉइंट पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करके चेक करते हैं, बनेगा जी आपके पास जी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 की पावर 3 ओवर 5, तो 1 की पावर 3 ओवर 5 आपके 1 नहीं होता है। ये से तीन आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, ये है जी मैक्सिमा, ये है जी मिनिमा।
तो लिखें जी आपके पास मैक्सिमा इज, सॉरी हाँ ये मैक्सिमा, मैक्सिमा इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 1, मिनिमा इज -8, मिनिमा इज -8 किस पॉइंट के ऊपर एट थीटा इज इक्वल टू -32। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए जी हमारे पास लास्ट 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 क्वेश्चन आज का, एच आर थीटा विच इज इक्वल टू 3 थीटा की पावर 2/3, थीटा ग्रेटर इक्वल टू -27 लेस आर इक्वल टू 8। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, जो एच प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 3, 2/3 पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा थीटा की पावर में 2/3 -1 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए जी हमारे पास एच प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 कर दिया, 3 से कैंसिल के बच्चा जी आपके पास 2 थीटा की पावर 2/3 -1 करके यहाँ पे चेक करेंगे 2/3 -1, तो ये बनेगा जी आपके पास 2 -3 -1/3 यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग -1/3। ओके जी, अब देखें जी यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास सारा सारा जीरो होता है, सॉरी थीटा की, तो साफ नजर आ रहा है थीटा जीरो होगा, सारा सारा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास थीटा जीरो, यही है जी हमारे पास बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको भी पुट करें, एंड पॉइंट्स को भी इसमें पुट करें, मैक्सिमा निकाल लें मिनिमा निकाल लें, तो देखें नहीं एच ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू 3 × 0 की पावर 2/3, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। इसके बाद जो 27 पुट करके चेक करते, सॉरी -27 विच इज इक्वल टू 3 - 27 की पावर 2/3, 3 - 27 को आप लिख सकते हैं -3 की पावर 3 होल की पावर 2/3, 3 3 से कैंसिल किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3/27 बन जाएगा। इसके बाद पुट करें 8, एच ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 3 8 की पावर 2/3, यहाँ पे देखेंगे आप लोग 3 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल की पावर 2/3, 3 3 से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ चुका। ये देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पे बंद है, मैक्सिमम 27 एट थीटा इज इक्वल टू -27 एंड आपके मिनिमम इज 0 एट थीटा इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0। तो देखें जी आपके पास है जी मैक्सिमा इज 27 एट थीटा इज इक्वल टू -27 एंड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जी मिनिमा, मिनिमा इज 0, मिनिमा के पास 0 होगा एट थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज दी फाइनल लेक्चर, फाइनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 आज के लेक्चर का। बहुत कोशिश किया कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, एक पॉइंट पे चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट करें, हम आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से भी गाइडेंस देंगे। अगर आप हैं रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।